हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हजरत 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 पेटीकोट मेड इन गुजरात जा। नमस्कार, क्या बात है, सारी इंडस्ट्री आई हुई है। आप सभी लोग तुरंत अपने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जल्दी से मेरे पेटीकोट कौन है की कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है। बैठिए बैठिए। अपने इंस्टाग्राम पे मेरा पेटीकोट चोरी हो गया है, इसकी एक स्टोरी डाल दीजिए सर, और रंग ये हुआ नाड़ा सफेद। मौसी, हेलो मौसी जी, क्या बोल रही हैं आप? रंग ये हुआ नाड़ा सफेद। ये सब करने नहीं आए वो लोग, उनकी फिल्म को 10 साल पूरे, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 10 साल हो गए? हाँ। 10 years। मेरा नाम है शीला, शीला फ्रॉम दरभंगा। प्यार से सब लोग मुझे मौसी कहते हैं। मैंने तो सुना लोग आपको डायन कहते हैं प्यार से। वो सब नहीं कहते, सिर्फ मेरा पति कहता है और उसके घर वाले कहते हैं और मोहल्ला कहता है, मेरे मायके वाले कहते हैं, सब कहते हैं। हवा साहब, सबका बदला लेगा तेरा भाईजान। अरे पहचानो मुझे। आप बताया ना अभी, शीला, आप जानते हैं नवाज भाई को? जानते हो? पूछो उनसे। नहीं, इनसे मत पूछना, ये मना कर देंगे। नवाज साहब आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं मेरी वजह से। ओ, कैसे? ट्रैफिक में फंस गए थे, कंधे पे बिठा के लाई हूँ इनको मैं यहाँ। मौसी, आपने आते ही फालतू बातें करनी शुरू कर दी ना। ये फालतू बातें नहीं है, ये तो बेतुकी बातें हैं। स्नेहा जी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो आर यू। स्नेहा जी, आप सोच रही होंगी कि बुढ़िया के चेहरे पे इतने इस उम्र में भी ये चमक कैसे है? हाँ। नहीं, कोई बता रहा था आप रात में पानी में भिगो के थर्माकोल खाती हैं सुबह उठ के। खाती हूँ, क्योंकि थर्माकोल में भी पनीर जितना प्रोटीन होता है। कहाँ होता है प्रोटीन थर्माकोल? यहाँ पनीर में होता है, बीच में। वैसे मैं आप सबको बता दूँ कि वसेपुर में, सबको बता रही हूँ कि नवाज साहब की जो बीवी का रोल था वो पहले मुझे अनुराग जी ने दिया था। अच्छा। लेकिन बाद में उनको लगा कि ये तो नवाज भाई का फूफा लग रही है, तो फिर उन्होंने नहीं दिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं था, डेट्स की वजह से मैं फिल्म नहीं कर पाई। तुम्हारे पास डेट्स नहीं थी? नहीं, गर्मी में डेट्स ज्यादा खाली थी, पेट खराब हो गया था मेरा। और ये तब की बात है जब मैं मुंबई आई थी, तब नई आई थी और तब समंदर मेरे सामने ही बन रहा था। अंदर मछलियां होती थी, वो बिकनी पहन के बाहर सनबाथ लेने आती थी। मैं भी चली गई बिकनी पहन के सनबाथ लेने। भाई साहब, मुंबई में खबर फैल गई थी कि जुहू बीच पर जलपरी देखी गई। झूठ क्यों बोल रही है? मुझे याद है एक बार आप नहाने गई बीच पे, बीएमसी वालों ने पेस्ट कंट्रोल कराया समंदर का। बिकॉज मछलियां आर जेलस, इतनी जलती हैं वो मछलियां, उनको लगता है मेरे लिप्स ज्यादा अच्छे हैं। क्यों जी? जी सर, मुझे आपके नाटक बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैम। और मैं भी बहुत नाटक करती हूँ। अरे वाह, क्या बात सर। मैं आपको बताऊँ कि एक बार मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अच्छा अच्छा। मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। फिर अगले साल सुनील पैदा हुआ है। 3 साल से मेरा पति मुझे नहीं पकड़ पा रहा था। वरुण जी। जी सर, आपके बड़े भाई गुलशन ग्रोवर जी नहीं आए? अरे गुलशन ग्रोवर के भाई थोड़ी है ये। अच्छा, तभी इतने शांत हैं, क्योंकि गुलशन जी अगर मुझे देख लेते हैं तो पहले ही कहते हैं, जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है। ये जो सब मिमिक्री करने वालों को जेल हुई थी, मैं ही छुड़ा के लाया इन सबको। एक एक करके ना मिमिक्री करते हैं यहाँ। वो आपको इसलिए कहते थे क्योंकि आपका मुंह देख के ना किसी का भी मन खट्टा हो सकता है, तो इसलिए बोल रहे थे वो। ऐसा कुछ नहीं हो, जलवा था मेरा। आपको पता है नवाज साहब जिस गली से गुजर जाती थी, लोग कचरा लेकर आ जाते थे कि आ गई लेने, वो एक ही बार हुआ था। वरना मैं बताऊं, ये फिल्म के एक रोल मुझे मिला था, तो उसमें कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं गली गली जाके कचरा उठाती थी। अच्छा। फिर मुझे कैरेक्टर में इतना घुस गई, फिल्म छोड़ के मैं कचरा ही उठाती रही। वैसे अनुराग साहब, आप लोगों को जान के नवाज साहब खुशी होगी कि मैं भी फिल्म में लिख रही हूँ। किसी को खुशी नहीं हुई?
क्या लिखा है? कौन सी फिल्म लिखी है? मैंने अभी एक फिल्म लिखी है, भोजपुरी फिल्म है। सैया कमाए कतर में, भौजी बीकर गिरी गटर में। ये बायोपिक है। बायोपिक? किसकी? भौजी की? गटर की। गटर 100 साल पुराना है। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गैंग तो फतेहपुर की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए आइए नवाज भाई, आइए प्लीज सब। मैं आप सभी का हमारी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जोरदार तालियां होने चाहिए। और अनुराग भाई, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। एक तो उन्होंने काम बड़े पकड़ रखे हैं, एक और इनकी फिल्म आ रही है। अनुराग भाई की फिल्म आ रही है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। आज हमारे बीच इस फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद है, उनको बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम अलाया एंड करण मेहता। ये ऑलमोस्ट प्यार जो होता है, हमने ऐसा सुना है कि या तो प्यार होता है या नहीं होता है जी। आपकी फिल्म का नाम है ऑलमोस्ट प्यार, तो क्या मतलब होते होते कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या पुलिस आ गई थी? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं प्यार के बीच में। अगर प्यार सिंपल होता तो प्यार होता ही नहीं। एक्चुअली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। ये ऑलमोस्ट प्यार वो है जो तुझे हर सैटरडे संडे जो एक्ट्रेस आती है ना यहाँ पर उसके साथ exactly. हो जाता है। मैं यहाँ बैठू या यहाँ? इधर भी आ सकती हैं आप, जितना आपका साइज़ है। बस हो गया ना ऑलमोस्ट प्यार। अरे कहते हैं ना कि अम्मी जान कहा करती है, वही अम्मी जान है। हर बात पे कुछ ना कुछ कहती है ये। अच्छा आप दोनों बड़े लकी हैं, आप इतने टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। पता है ये किसी भी एक्टर को बोलते हैं, कोई एक सीन के लिए भी बुला लेना तो वो, जैसे अभी हम लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर की टीम के साथ बात कर रहे थे, लोग अपने काम छोड़ के आ जाते हैं और आप दोनों मेन लीड कर रहे हैं और वो भी दो दो करेक्टर। मन में तो आया होगा कि चलो एक करेक्टर नहीं दूसरे को तो कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और सुनाओ करण जी। सर कुछ भी सुनाइए, आप कुछ भी बताइए यार, इतने हैंडसम आदमी हो आप। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं तो बाथरूम में था जब मुझे मैसेज आया उनकी बेटी का कि सर ने आपकी पिक्चर देखी, शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी जो मैंने यूट्यूब पे डाली। अच्छा। और हम दूसरी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो इनकी बेटी का मैसेज आया आलिया का कि यू नो माय फादर सॉ द फिल्म, उन्होंने पिक्चर देखी, उनको बहुत अच्छी लगी और वो मिलना चाहते हैं। तो उस समय मैं बाथरूम में था, मैं बाथरूम छोड़ के भागा हूँ बाहर। अच्छा वाओ। अपने दोस्तों को बताने के लिए कि ऐसे मैसेज आया सर मिलना चाहते हैं। तो मेरी भी कुछ कहानी ऐसी रही है, भागा हूँ मैं भी। वो जो आप बाथरूम छोड़ के भागे आप, हाँ फिर वापस आप कब करने गए? अलाया आपके बारे में सुना कि आपकी भी कोई इंस्टाग्राम पे रील देखी थी अनुराग सर ने? नहीं इंस्टाग्राम पे रील नहीं, वो जो एक्टिंग शो रील होती है मैंने वो दिखाई थी अनुराग सर को। अच्छा। और उन्हें वो 7 मिनट का रील था, वो तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल अलाउड नहीं है लेकिन हाँ मैं अनुराग सर से एक्चुअली मिलने गई थी। जैसे ही मैं उनके घर के अंदर आई, अनुराग सर ने कहा मैं सिर्फ टेढ़ी फिल्में बनाता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग दैट यू विल वांट। उनको लगा मुझे कुछ हाइपर कमर्शियल फिल्म में पहले था कि अभी कहां, मतलब सब लोग ऐसा बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं बदल गया, मतलब मेरी फिल्म में सडनली इतने सुंदर एक्टर्स आने लग गए। तब मैंने बोला अनुराग सर नहीं 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 आप बस मेरी रील जो है वो बस देखिए और आज मुझे कुछ एडवाइस दीजिए इफ नथिंग एल्स। और उस 7 मिनट रील के बाद अनुराग सर ने मुझे ये पिक्चर ऑफर की। वाओ और रील देखने वाला वो बहुत ही, मतलब रील के बिल्कुल बाद वो होता ना हमारे यहाँ कहते ना होनहार बीरवान के हो चीखने पात जी। तो पहली रील देख के मुझे समझ दिख गया कि ये लड़की कहाँ तक जाने वाली है। क्या बात है, नजर होनी चाहिए परख करने की। अच्छा इनको आपने यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म देख के सिलेक्ट कर लिया, इनको भी रील देख के आपने डिसाइड कर लिया। अर्चना जी इतनी रील्स बनाती हैं। हाँ, गुड क्वेश्चन। उनको उनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, कहती मेरे पे अनुराग की कभी नजर नहीं गई, हालांकि अगर आप नजर गई मेरी, मैं तो जब जलवा देखने गया था। अच्छा मेरी नजर तभी चली गई थी, मैंने अर्चना जी को उन नजरों से देखा था जिन नजरों से आप बाकियों को देखते हैं। Almost प्यार। आपको एक बात पता है? क्या? नहीं। मैंने आपके लिए लिखा है, मेरे स्ट्रगलिंग करियर की शुरुआत हुई थी आपके लिए लिखता था। क्या सीन है? क्या सीन है? उसके मैं घोस्ट राइटिंग डायलॉग्स लिखता था। तो हम मिले थे ना उस वक्त? हम मिले थे और हम मैं दूर से ही मिलता था कि मैं चप्पल में आता था जी के ऑफिस के बाहर। oh मुझे अंदर नहीं जाते थे, मैं बाहर से बैठ के रिसर्च करता था और घोस्ट राइटिंग में डायलॉग्स लिखता था। आपके उस वक्त अगर मुझे पता होता
तो मैं तो तुम्हें अंदर बुलाती, बोलते चाय पियो, कुछ समोसे खाओ। देखा, सेल्फिश कहीं का। वैसे नहीं बुलाना किसी को अगर पता चल जाता, पर जनरली अगर अर्चना जी इतनी प्यारी एक्टर अगर आप बुला लेते आपके बजट में भी आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अनुराग भाई, अगर रमा धीर का करेक्टर आप इनको देते ना तो कसम से पहले पार्ट में मार देते आप। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अलाया ने सबसे पहले जो फिल्म साइन की थी वो थी ऑलमोस्ट प्यार, लेकिन इससे पहले इनकी दो तीन फिल्में आ चुकी हैं। तो ये लेट कैसे हुआ, अनुराग भाई की वजह से लेट हुआ? मैं बहुत टाइम लेता हूं, मतलब पिक्चर का इंसेप्शन से लेके ये 2016 में मुझे मिला। अच्छा जी। मेरी ये फिल्म का आइडिया दिमाग में था और चल रहा था, मुझे उसके लिए दो परफेक्ट कैरेक्टर चाहिए थे, दोनों डबल रोल हैं, दोनों बहुत यंग, दोनों अंडर 20 है। तो ये 2016 में मिला, मैंने कहा लड़का मिल गया, अभी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा। फिर मुझे लड़की भी मिल गई, फिर मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी। तो उसके बाद जो है हमने पूरा काम शुरू किया और हमने 2019 में शूटिंग शुरू की, लेकिन फिर लॉकडाउन में हमारी फिल्म बीच में शूटिंग के बीच में रुक गई और फिर ये सब लोग बिजी हो गए इधर उधर से, फिर घूम फिर के हम लोग वापस आए और फिल्म हमने खत्म की। अच्छा, हमने एक और बात सुनी है कि ये फिल्म को बनाने में, ऐसा सुना है सर हमने कि इम्तियाज अली साहब ने इनकी हेल्प की है, थोड़ी गुलजार साहब ने, विशाल भारद्वाज साहब ने, वरुण ग्रोवर ने, ये बात सच्ची है भाई? हाँ हाँ, काफी सच्ची है। ये अपने तरह की, मतलब ये बहुत ही यंग सी जनरेशन की कहानी है, लव स्टोरी है, उसमें तरह तरह के वॉइसेस चाहिए थे। तो इसमें सबके, मेरे सारे जो डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं सबने इस फिल्म में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया। अच्छा। इस फिल्म को शेप करने में, बिकॉज अपने आप में कोई चीजें बहुत डिफिकल्ट सी होती हैं एक्चुअली। तो इम्तियाज ने हेल्प किया, राजू ने हेल्प किया, विशाल जी ने हेल्प किया, काफी सारे डीजे मोहब्बत के की जो लैंग्वेज है वो मुझे अपने से दूर चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे विशाल जी गुलजार साहब वाली लैंग्वेज चाहिए थी। तो सबने कहीं ना कहीं से मुझे हेल्प की है इस फिल्म को शेप करने में। आपको सब प्यार भी करते हैं और ये फिल्म सबको बहुत क्लोज भी है, एवरीबॉडी फेल्ट सो क्लोज अबाउट इट, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू फॉर देयर फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। ये ऑलमोस्ट प्यार जो फिल्म का नाम है, मैं अपने यहाँ पे बैठे दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑलमोस्ट प्यार हो चुका था, बीच में बात बिगड़ गई या बनते बनते रह गई, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हेलो सर। हाय अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ। अमित जी, सर मेरे साथ ये ऐसी स्टोरी हो चुकी है जहाँ ऑलमोस्ट प्यार हुआ और बात बनते बनते बिगड़ गई और फिर बन भी गई। दोबारा बन गई। मैं बताता हूँ सर। अच्छा। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे साथ जो मेरी एक लड़की थी उससे मेरी दोस्ती हुई, 7-8-10 दिन की दोस्ती हुई। फिर क्या हुआ कि जो मेरे यार दोस्त थे उन्होंने मेरे को प्रोवोक करना शुरू कर दिया कि लड़की अपसेट है, तेरी 10 दिन से दोस्ती हो चुकी है, इसको प्रपोज कर दे। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लग गया यार, तो बड़े कमीने होते, उनको पता चल जाता है। सही कहा सर आपने, तुम कह रहे कि नहीं जब तू क्लास में क्वेश्चन पूछता है ना हम देखते हैं, वो तेरी तरफ देख रही है, वो हंस रही है, तो हमें कंफर्म है तो कर दे प्रपोज। अच्छा जी। तो मैंने रात को एक प्लान बनाया कि मैं अपने एक सीनियर को बुलाऊंगा जो मेरी रैगिंग लेगा, मैं उस लड़की को बुलाऊंगा कैंटीन में और तू भी आ जाइए और मेरे को कहिए इस लड़की को प्रपोज कर। तो सीनियर बोला ऐसा क्यों करूं मैं? मैंने कहा देखो सर अगर उसने हाँ कर दी तो मेरी बात बन गई, ना कर दी तो मैं कहूंगा मेरी रैगिंग हो रही है, ताकि मेरी दोस्ती बची रहे। इतने शातिर हैं आप। हाँ जी सर। फिर अगले दिन क्या हुआ, मैंने उसको कैंटीन में बुलाया, मेरा सीनियर भी आया, सेम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, मैंने लड़की को प्रपोज किया, उसने कैंटीन में थप्पड़ मार दिया, मेरा दिल टूट गया। मैं उन्हीं दोस्तों के पास गया, कह रहे तेरे को खुद को अकल नहीं है, हमारी खुद की तो लड़कियों के साथ सेटिंग नहीं है और तू अपना लगा पड़ा प्रपोज। तो मेरा तो वहीं सर ऑलमोस्ट प्यार होते होते मेरा तो खत्म हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, फिर मेरी आईटी कंपनी में जॉब लग गई। तो जब मैं रिक्रूटमेंट के लिए गया तो वहीं पे वो लेक्चरर लगी हुई थी। Oh my God. तो मैंने उसे ये पूछा, 7 साल हो चुके थे उन बातों को, तो मैंने कहा कि मैं आज भी, तो मेरे को वो प्यार भी याद आ गया, साथ में वो थप्पड़ भी याद आ गया। फिर तो मैंने फिर दोबारा फिर प्रपोज कर दिया, मैंने कहा अब तो मेरी जॉब भी है, सब कुछ है। अच्छा। और फाइनली उसने फिर मेरे से शादी की। अच्छा। और आज वो मेरी वाइफ है। यार बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी। मैं उसका, आपका नाम अपने घर में 20-25 बार लेता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ का नाम भी अर्चना है। गुप्ता जी, ये एक तीर से आप जो दोनों निशाने मारने की कोशिश कर रहे हो तभी थप्पड़ मारा, ये अर्चना ना थोड़ी डेंजरस होती है। नहीं, मैंने फिर पूछा जब शादी हुई, मैंने कहा तुमने मुझे मारा क्यों था, मतलब कह रहे कि तुमने कैंटीन में 4 सीनियर बुला रखे हैं, 25 अपने दोस्त बुला रखे हैं, ये प्रपोज करने का तरीका होता है? बिल्कुल। ऊपर से समोसे भी पूछे कैंटीन में बुला के ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आप हमारे शो पे आए, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर जी। और कोई हमारे दोस्त अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम आमिर है, मैं संता क्रूज से आया हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया आमिर, थैंक यू। जब कॉलेज में थे ना सर, +2 में,
तभी मेरे को एक लड़की पसंद आ जाती है सर। कॉलेज में पढ़ने गए थे ये सब करने गए थे आप? फुल स्लीव टी शर्ट के ऊपर आधी बाजू वाली टी शर्ट पहनी हुई है और लड़कियां पसंद करने गए कॉलेज? यस आमिर, तो फिर क्या हुआ? जी सर, तो मैं सोचा मेरी भी बात बन जाती तो मेरे को फाइनली वो पसंद आ जाती है सर। मैं उसको प्रपोज नहीं कर पाता हूँ, उसके पास जाके मंडराते रहता हूँ, हिम्मत नहीं होती सर बोलने की। तो फाइनली आपका एक मूवी आता है किस किस को प्यार करूँ, तो उसका एक सॉन्ग है ना सर, तो मेरे कॉलेज में ना फंक्शन होने वाला था सर उसी टाइम। उसमें तो मेरी शादी धोखे से हो जाती है, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। एक मिनट प्लीज सर, मेरे को बोलने दे। तो वो जी फंक्शन होते होने वाला रहता सर, तो आपकी मूवी आती है किस किस को प्यार करूं। हाँ। तो वो मूवी का गाना है ना सर, वो डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा, वो सॉन्ग पे मैंने डांस किया सर। तो डांस करते ही वो मैं स्टेज से नीचे आया हूँ सर, वो बंदी जो मेरे को पसंद थी। हाँ। वो लड़की मेरे को सामने से आके प्रपोज की सर। तो मैं फाइनली आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू। मेरा क्यों थैंक यू, मैंने थोड़ी भेजा था उसको। कहीं ना कहीं आपके मूवी के वजह से, आपके वजह से मेरी बात बन गई सर, सो थैंक यू सो मच। आमिर अभी चलो बहुत मुबारक आपको, तो वी आर इन लव है डीप, पूरे रियल लव। आपका सच्चा प्यार है उसके साथ? 80% है सर मेरी तरफ से, बाकी मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा। तो आमिर करते क्या है आप, पढ़ाई हो गई? मैं इधर नहीं सर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है मेरा, मैं अंधेरी में सेलमैन में काम करता हूँ कपड़े के शॉप पे। तो पहले तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। जी सर। उसके जैसे आप पढ़ाई कंप्लीट करोगे आपका 80 का 30 रह जाएगा, ठीक है? हाँ, ज्यादा प्यार व्यार बोल दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा काहे का थैंक यू, आप मजे में रहो आप। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो, माय सेल्फ ममता मोदानी, मैं नवी मुंबई से आई। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका। सर मेरी भी बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। बन गई? हाँ जी। कैसे बनी, क्या हुआ? सर मेरी कजिन की शादी थी और स्टेज प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं शादी में गई थी, मैं ऐसे देख रही थी कि एक लड़के ने मुझे वहां से आंख मार दी। तो मैंने उसे देखा, मैं आंख मारी आप ही, मैं चारों तरफ देखी कि इधर मेरे सारे घर वाले हैं, मैंने उसे बहुत इग्नोर किया, मैंने कहा ये लड़का आंख मार रहा है मतलब इससे तो बात ही नहीं करनी है। सेकंड डे मुझे कहीं और जाना था, मैंने अपनी बुआ को बोला था मुझे ड्रॉप करवाना है मुझे, तो जो वो लड़का था वो बोलता है मैं ड्रॉप करूंगा, आंख मारने वाला। हाँ मैं ड्रॉप करूंगा। वो गाड़ी में साथ में और चिट चैट चलती रही, फिर वो ड्रॉप किए, मैं अपने रास्ते वो उनके रास्ते। एक महीने बाद कहीं से मेरा नंबर जुगाड़ के मुझे कॉल वॉल किया और हमारी बातचीत चालू हो गई। उसके बाद मेरे पापा बोलते हैं थोड़े दिन बाद कि भैया अभी शादी का टाइम आया है, कल एक लड़का देखने आ रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं देखना है, पर वो रेडी थे कि नहीं हमने देख लिया और अभी इसी से शादी करनी है। तो वो बोलता है कि अभी मैं आऊँगा, टाइम लगेगा, इसको मना कर इस लड़के को, कि घर वाले नहीं मान रहे पर तू मना कर, तुझे मैं पसंद नहीं हूँ। तो मैंने वो ही किया, उस लड़के को बोला मेरे को पसंद नहीं हो भैया से बोल दे, बोला इधर से इनकी मम्मी ने मना कर दिया। तो अभी तो इधर से ये भी गया उधर से ये भी, हम दोनों फिर थोड़े दिन के लिए बोले अभी दोनों जने शांत रहो, 6 महीने बाद सबको मनाया एंड नाउ वी आर टुगेदर। हैप्पी एनिवर्सरी। आपने पूछा नहीं उनसे कभी कि तो आंख क्यों मारी थी, ये क्या तरीका हुआ? वो हजार बार बता चुके सर, रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसंद थी तू मुझे। अरे मतलब जो पसंद हो तो उसको आंख मार दो, ये क्या बात है? पहले जिनको मारी होगी पता नहीं, पर मेरे बाद फिर किसी को नहीं मारी। चलो फाइनली कंफर्म है ये न्यूज। हाँ सर। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो देवन सर, आई एम फॉर नयन, आई एम फॉर मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी तो मुंबई से हूँ। ओके okay. पहले क्या बोला आपने? मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लैंडलाइन पे थोड़ी फोन किया, मैं तो आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे ही कॉलेज दिनों की बात थी। अच्छा वाह, क्या बात है, कॉलेज भी गए आप? हां ऑब्वियसली सर। अच्छी बात है। तो एक लड़की थी जो पहले नजर से प्यार था सर, जब वो आई थी और मेरी क्रश बन गई थी, देखा कि उसको दिखती रह गया बस। तो ऐसी लड़की थी और उससे बात होती थी, कुछ दिन बात चली, कॉल पे बात चली, और मैं उसी ख्याल में से खोने लगा। इतना खोया कि मैं कहता था कि कैसे मैं बताऊँ कि तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊँ कि तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, खाबों में तुम, मुंबई में तुम, सांसों में तुम।
तुम हो मेरे हर रात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में। आप लड़की के फैन थे कि नाना पाटेकर के फैन है? ये तो नाना पाटेकर साहब का डायलॉग है। हाँ सर, उसके लिए कह रहा था ना, उसके साथ इतना ख्यालों में डूब गया था कि बस ख्यालों में डूब गया था उसके। कहाँ तक डूबे थे ख्यालों में? यहाँ तक? यहाँ तक नहीं सर, पूरा सर पे पानी गया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बातें होने लगी ऐसे, कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आता है कि मैंने एक रिंग खरीदी। मुझे लगा शायद से मेरे लिए खरीदी हुई, इतनी बात भी हो रही है हमारी तो। और सेकेंड दिनों आती है कॉलेज में, कहते कि तुम्हारे पीछे जो बेटा है ना लड़का, उसको रिंग देनी है। तो हो गया, उसको रिंग दे दी। तो सोचने लगे अब ये मेरा क्या हो गया। पर ये जो आपने जो डायलॉग बोले कि कैसे बताऊं तुम हाँ मेरे लिए कौन, ये उसको सुनाए थे लड़की को कि नहीं? सुना था सर, सर मैसेज भी कहता था, तो बोलती थी पका मत। तो मुझे लगा लाइन पे आ रही है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन आज भी उसके लिए वन साइड पे आ रहे। गए थे आप उसकी शादी में? गए थे? नहीं सर, लगा था जाऊ करके, लेकिन नहीं गया। बाद में उस सर का डायलॉग आया था ना सर, मुझे शाहरुख सर का, उन्होंने कहा था कि एक तरफा प्यार की कीमत ही कुछ और होती है, इस पे सिर्फ मेरा हक होता है, ये आपके और मेरा दो रिश्तों में नहीं बैठती। वन साइड प्यार था मेरा। वो आपके प्यार को सलाम है ब्रदर। थैंक यू सर। आपका पत्थर का बुत बनवा के ना मैं आप ही के घर भिजवाऊंगा। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम माई सेल्फ हार्दिक। एक्चुअली 10 साल पहले मेरे घर पे रिलेटिव आए थे छत्तीसगढ़ से। गए नहीं अभी तक? नहीं। आए थे घूमने के लिए। अच्छा जी। तो मैंने वो लोग को मुंबई दर्शन कराया। अच्छा जी। तो जो मेरी सास है वो मेरे से वही टाइम पे इम्प्रेस हो गई थी 10 साल पहले। मेरी बेटी का शादी इसी से करा होगी। ऐसे किसी को घुमाओ फिराओ तो शादी हो जाती है? हाँ, वो इम्प्रेस अच्छा। हो गई थी। अच्छा जी। के लड़का अच्छा है। तो 10 साल बाद जब मेरे घर वालों ने रिश्ता भेजा उनके घर पे, मेरे को ये लड़की पसंद थी, तो वो लोग ने, उसकी मॉम ने बोला कि हाँ हमको तो पसंद है ये लड़का, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। अच्छा जी। अभी जो बीबी है उसने बोल दिया। आपकी वाइफ आई है साथ में? हाँ आई। तो अच्छा, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, इन्हीं की मम्मी ने आपको पसंद किया? हाँ। तो इसने बोला कि मेरे को ये पसंद नहीं है, ये लड़का मोटा है। तो फिर उसकी मॉम ने बोला कि तू एक बार जाके मुंबई जाके देख ले, पसंद आ जाएगा। तो मुंबई जब ये आई तो उसने फिर भी देख के बोल दिया कि ये तो मोटा ही है, मेरे को नहीं पसंद है। फिर ये लोग को मैं वापस मुंबई घूमने लेके गया। हाँ। और बैंड्रा में मैंने जितना इनको घुमाया खुद घूम लेते ना, पहले इसको भी घुमा लिया। अच्छा। पहले इसकी मम्मी को घुमाया था, फिर इसको घुमाया। तो इसको बैंड्रा में शॉपिंग कराया। अच्छा। तो शॉपिंग, इतना शॉपिंग कराया कि खुश हो गए और इम्प्रेस हो गए मेरे से। फिर मैंने बोला अभी मेरे को आंसर दे, यस और नो। तो बोलती है घर पे आके दूंगी। मैं बोला नहीं, यहीं पे मार्केट में ही आंसर दे। तो उसने फिर मुझे यस बोला। मैं मैडम से मुखातिब होना चाहूंगा। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? सर, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, ये जो भाई साहब ने बयान दिए हैं ये सही है? हाँ सर बिल्कुल। कौन सी बात से इनकी बात से इम्प्रेस हुई आप? ये मुझे शॉपिंग करवाए थे उस बात से मैं बहुत खुश थी। मुझे ये था कि शादी के पहले मुझे लड़का इतने अच्छे से रख रहा है, इतने अच्छे से शॉपिंग करवा रहा है, तो शादी के बाद वो मेरे सारे नखरे उठाएगा और मुझे बहुत अच्छे से रखेगा। और हालांकि आज की डेट में भी वो ये चीज कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी। वो तो चलो उनको करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी भी है। नहीं सर, वो शॉप से कर रहे हैं। हाउ स्वीट यार, बहुत बहुत प्यारे आप दोनों। शॉपिंग उनको पसंद है सर। अच्छा जी। तो आप कहाँ से? मुंबई से नहीं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर से, और भाई साहब यहीं से है मुंबई से? अच्छा जी, पर आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए लाया करण, आइए अनुराग भाई। अनुराग भाई थैंक यू सो मच, आज जो दिन निकला हमारा इतना मजेदार, आज ढेर सारी बातें हुई हैं। और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने आराम से बैठ के सुन रहे, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारे हैं आप लोग। करण बहुत सारी मुबारकबाद आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए भी और आने वाली तमाम फिल्मों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉट। थैंक यू अनुराग भाई। और शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिले आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।